उद्यम सिंह नगर जिले के एएनटीएफ की टीम ने रुद्रपुर की मेट्रो पॉलीसिटी कॉलोनी से 5,760 नशे के कैप्सूल के साथ एक किशोर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा जिले एसपी सिटी मनोज कतियाल ने किया। उन्होंने बताया कि एएनटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि रुद्रपुर की मेट्रो पॉलीसिटी कॉलोनी में नशे के कैप्सूल बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैप्सूल बरामद किए हैं। इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने टीम को 1500 इनाम देने की घोषणा की है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, इसी के क्रम में हमारी टीमें लगातार जो है इस मामले में कार्रवाई करती रहती हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें एएनटीएफ की टीम जो कि जनपद रुद्रपुर दमसिंह नगर स्तर पर कार्य कर रही है, और साथ में थाना पन्नगर की टीम में एक नाबालिग जो विधि विवादित किशोर हैं उनको उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में नशे के कैप्सूल जो है वो बरामद किए हैं। इसमें हमें 5760 नशे के कैप्सूल हमें बरामद हुए हैं, और इसमें सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। जब इसको हमने आगे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी की तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए। इसमें दो बालिक लोगों के द्वारा जो कि रिश्ते में इसके पिता और इसके ताऊ लगते हैं उनके द्वारा ये बड़े सुनियोजित ढंग से इस कार्य को किया जा रहा था, और इसके जो है अलग अलग रिटेल आउटलेट जो है रुद्रपुर के।